सड़क है लेकिन वह तालाब में परिवर्तित हो चुका है। हर दिन टोटो रिक्शा बाइक उलट कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिसके कारण घायलों की संख्या भी बढ़ रही है। इस वजह से क्षेत्र का व्यापार वाणिज्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। क्षेत्र की एकमात्र मुख्य सड़क जर्जर अवस्था को देखते हुए बुधवार की सुबह 100 से अधिक टोटो चालकों ने टोटो के साथ सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और सड़क मरम्मत करने की मांग की। वहीं टोटो चालक ने सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक सड़क अवरोध किया था। इस अवरोध में टोटो चालकों के साथ स्थानीय निवासी भी शामिल हुए। उन लोगों ने भी मांग की कि जल्द से जल्द सड़क मरम्मत की जाए। यह घटना नागराकाटा ब्लॉक अवस्थित लुकशान का है। इसे है यहाँ पे जो एक जरूरी भी है, वहाँ पे रास्ता बहुत ही खराब है, वहाँ पे नाला भी नहीं है। नाला ना होने के कारण डेली वहाँ पे एक्सीडेंट होता रहता है, ठीक है। तो इसके कारण मार्केट भी खराब हो रहा है, व्यवसाय भी खराब हो रहा है और इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है ना। मान लीजिए एक्सीडेंट ही हो जाता है तो वहाँ पे कोई देखने के लिए आएगा नहीं। दो तीन बार अभी सुबह ही पिकअप एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, उस पर टोटो भी एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग दो तीन बार एप्लीकेशन दे चुके हैं प्रधान को, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। 6 साल हो गया बना, उसके 3 महीना बाद ही रास्ता पूरा ही खराब हो गया। रास्ता भी अच्छा बना नहीं। हम लोग विरोध भी करते हैं लेकिन कोई यहाँ पे इंजीनियर चेक करने के लिए भी नहीं आता है। रोड बनता है तो मीडिया के थ्रू दिए, छोटे वाला दिया था मोहन प्रसाद। मैं प्रसाद, मैं एक सहायक शिक्षक हूँ। मैं बाहर जा रहा था किसी काम से। यहाँ पे अवरोध करके रखा गया सर, ये अवरोध करके रखा हुआ है यहाँ पे काफ़ी सालों से। हमारा जो जिला परिषद का जो रास्ता है लुकसान मोड़ से लेकर फैक्ट्री तक जो जा रहा रास्ता, इतना जर्जर अवस्था में है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। कई बार एक दुर्घटना घट गई है जिससे लोग आहत हो गए, मतलब परेशानी की हद हो गई है। और कोई भी जन नेता या जनप्रतिनिधि यहाँ पर आकर किसी की सुध नहीं लेते हैं, ये बहुत दुखद है। तो अभी पूरा समर्थन हम लोगों का, क्योंकि ये रास्ता बनेगा, रास्ता देखा नहीं अवरोध अटके गए आपने की बोलने देखने नुकसान हो रहे मैंने नुकसान जो रास्ता परिस्थिति विगत 5-6 बचर थी रास्ता जो मैंने बेहाल अवस्था हेटे जाओ मैंने कोई दुष्कर अवस्था এর প্রতিবাদে এখানে টোটোওয়ালা এবং আম জনতা সবাই মিলে আজকে এখানে পথ অবরোধ করেছে। এই পথ অবরোধ কি আপনি সমর্থন করবেন? হ্যাঁ, আমি একদম 100% সমর্থন করবো, কারণ এখানে হেঁটে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি নেই। কিসের জন্য রাস্তা হচ্ছে না, কি লাগে, কি ভাবেন আপনি? সেটা তো কিসের জন্য রাস্তা হচ্ছে না সেটা তো প্রশাসন ঠিক মতো বলতে পারবে। প্রশাসনের নজর আছে কিনা কি জানে। আপনার চান রাস্তা, আপনার কি চান? रोड का समाधान नहीं हुआ तो आगामी दिन में NH-31 में भी जाम होगा, इन लोगों का बोलना है। तो मेरा आप सभी जितने भी अधिकारियों से मेरा रिक्वेस्ट और निवेदन है, ये लुकसान जीवी प्रधान होने के नाते, कि इन लोगों का जो ये जो मांगे है ये जल्द से जल्द पूरी हो। और सभी जितने नुकसान के वासियों को अगर ये रोड अगर जल्द से जल्द अगर बन जाता है सभी को सुविधा प्रदान होगी। ये अगर नहीं होने से, ये नहीं होने से मैक्सिमम हमारा पूरा नुकसान एरिया का जितना भी परिवार है वो सभी का बोलना है कि नागराकाटा से अमित छेत्री की रिपोर्ट।